यहाँ पे मछली का सालन बना रही हूँ। तो मैं आज भुंजी मछली का सालन पका रही हूँ, और भुंजी और कच्ची दोनों मछली में एक ही तरह से मसाला बनाती हूँ। बस भुंजी मछली में टमाटर डालती हूँ और मेरा अदरक लहसुन प्याज का जो पेस्ट था वो अच्छा भुना गया था, तो उसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिए थे। और फिर अपने हिसाब से शोरबा रख लें गाढ़ा पतला। अच्छी लगती है भुंजी मछली का तो बहुत प्यारा टेस्ट होता है कच्ची मछली से, तो बहुत अच्छी लगती है। पर ये बच्चे मेरे खाते नहीं है मछली, उनके लिए भी मसाला काट के रखी थी अंडे बनाने के लिए। सालन तो खा भी लेता सालन से थोड़ा, हाँ पीस नहीं खाता है वो, पर सालन थोड़ा खा लेता है मछली को, किंतु बिल्कुल भी नहीं खाती है। मैं बाहर कपड़े वगैरह भिगा रही थी तो किट्टू को बोल दिया था बेटा ज़रा देख लेना मसाला, तो ये यहाँ पर किट्टू दिख रही है। अरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ठीक हूँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:15 का टाइम ही हो रहा है लगभग, और अभी है ना नाश्ता, ये लोग आज लेट उठे हैं तो आज नाश्ता ठीक से बना ही नहीं। हम लोग तो किट्टू पापा और मैंने कर लिए थे, ये बच्चे लेट उठे तो इन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया है। और तो मैंने तो फिर जल्दी जल्दी काम कर ली, क्योंकि रात को हमको 1 बज गए थे, हम मिलाद में गए थे किट्टू और मैं, तो फिर भी अपने को तो खैर लेडीज़ लोग को तो जल्दी उठ ही जाना पड़ता है कुछ भी हो जाए। तो ये सालन बन गया मछली का, मछली का सालन बन गया है, ये रोटी भी बन गई है, और ये इनके लिए अभी बनाऊँगी दोनों के लिए। और ये बर्तन रखे हैं, कपड़े भी धीरे धीरे निकल रहे हैं ये, और ये सामान रखा है, ये चावल हैं, आटा है, कॉर्नफ्लेक्स अक्के लाए हैं बच्चों ने, हम लोग गए थे ना माल से थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं, और ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर में सफाई हो गई है। अभी नहाने का मतलब खाना बन गया, नहाने का है, बर्तन वगैरह है, हो जाएंगे जल्दी। तो दोस्तों त्यौहार आ गया है 12 वफ़ा और दशहरा हो गया, दशहरा हो गया कल है ना, कल दशमी थी, हाँ कल दशहरा हो गया, और 12 वफ़ात की मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी बिजली वाले भैया का, क्योंकि बिजली वाले ये जो फिटिंग के लिए 5 दिन से कह रहे हैं किट्टू पापा, जिन्होंने ये फिटिंग जो की थी अंडरग्राउंड, तो वो आ नहीं रहे हैं। अब मैं सोची कि वो आ जाते, अब वो आएंगे तो काम चलेगा तो कचरा होगा, और वो आ नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं अगर सफाई करती तो वो फिर डबल से फिर कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं उनका इंतज़ार करी कि आ जाएं 1-2 दिन में, तो फिर मैं घर की सफाई कर लूँ। बाहर भी अच्छा मौसम, धूप निकली बहुत प्यारे, अब तो गई बारिश, और अब मैं जा रही हूँ छत पर गर्म पानी के लिए।
हूँ।